हारून की बढ़ सकती है मुश्किलें। जमानत अर्जी पर 26 अक्टूबर को होगी सुनवाई। व्हाट्सएप चैट पर आधारित है एनसीबी की दलीलें। कोरोना के मामले में उतार चढ़ाव जारी। 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा नए कोरोना मामले। 98.15% पहुंचा रिकवरी रेट। तिरंगा संकल्प यात्रा का नेतृत्व करने वाराणसी पहुंचे आप सांसद संजय सिंह। हिरासत में लिए गए आप सांसद, सांसद ने उठाए पुलिस पर सवाल। कानपुर देहात में बारिश बनी परेशानी का सबब। तेज हवा और लगातार बारिश से कई फसलें बर्बाद। किसानों की लागत और मेहनत पर खिल रहा पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। लखनऊ के पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने कहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ सेल्फी लेने वाली महिला कांस्टेबलों को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि प्रियंका के साथ आगरा जाने के रास्ते में लखनऊ के बाहरी इलाके में रोके जाने के समय ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल्स ने प्रियंका वाड्रा के साथ सेल्फी ली थी, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रही है। तस्वीरों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और महिला कांस्टेबल्स को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। वहीं इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर मेरे साथ फोटो खिंचवाना अपराध है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, इसका दोष महिला कांस्टेबल्स को क्यों देना। आपको बता दें कि ये सेल्फी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। कुछ लोगों को ये सेल्फी बेहद पसंद आ रही है, लेकिन शायद उत्तर प्रदेश पुलिस को ये सेल्फी पसंद नहीं आ रही। अधिकारियों द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो भी महिला कांस्टेबल इस सेल्फी में दिखाई दे रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पर प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार और उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर तंज कसा है। कहा है कि अगर मेरे साथ फोटो खिंचवाना सेल्फी लेना अपराध है तो गलती मेरी है, सजा मुझे मिलनी चाहिए, ना कि महिला कांस्टेबल्स को। आपको बता दें कि कल प्रियंका गांधी आगरा जा रही थी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। इसी दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया था और तभी महिला कांस्टेबल्स ने प्रियंका गांधी के साथ ये सेल्फी ली और फिर ये सेल्फी विवादों में आ गई। शामली के कांधला में किन्नर द्वारा युवक का लिंग परिवर्तन कराने का एक मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 8 दिन पहले रामलीला मेले से युवक का अपहरण किया गया था, जिसका बेहोशी की हालत में लिंग परिवर्तन करा दिया गया। मामले में युवक ने थाने में 3 लोगों के खिलाफ शिकायत की है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित युवक का मेडिकल परीक्षण करवाकर मामला दर्ज कर युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। तो शामली का यह अजीबो गरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक का लिंग परिवर्तन करा दिया गया है। उसका कहना है कि वो रामलीला देखकर अपने घर लौट रहा था, तभी उसका अपहरण कर लिया गया, उसका लिंग परिवर्तन करा दिया गया बेहोशी की हालत में, जिसकी शिकायत उसने पुलिस थाने में की है। लेकिन फिलहाल पीड़ित युवक का मेडिकल परीक्षण करवा दिया गया है, उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस पूरे मामले में फिलहाल छानबीन की जा रही है। तो शामली के कांधला का एक पूरा मामला, जहां पर युवक ने 3 लोगों पर अपहरण कर लिंग परिवर्तन का आरोप लगाया है। महाभारत काल से अपने अनोखे प्रेम के लिए सुविख्यात टेसू और झूंझी विवाह परंपरा को आज की पीढ़ी भले ही भूलती नजर आ रही हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बच्चों और बुजुर्गों द्वारा इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। बता दें कि ये महाभारत काल के महापराक्रमी योद्धा भीम के पौत्र बरबीक उर्फ टेसू के प्रेम की कहानी है, जिसकी परंपरा विजयदशमी के दिन से शुरू होती है, जिसमें बच्चे और बच्चियां टेसू और झूंझी के गीत गाकर चंदा मांगते हैं, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक टेसू और झूंझी के विवाह को धूमधाम के साथ मनाते हैं और ये चलता भी है, जिसमें बड़े बुजुर्ग और बच्चे सभी लोग शामिल होकर टेसू और झूंझी की बैंड बाजा ढोल नगाड़े बजाकर बारात भी निकालते हैं और पंडित विद्वानों को बुलाकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ टेसू और झूंझी के विवाह को सकुशल संपन्न भी कराते हैं। साथ ही इस दिन को शादी ब्याह के लिए सहारक के शुभ दिन की शुरुआत मानी जाती है। तो कानपुर देहात का यह अनोखा मामला है, जहाँ पर एक अनोखी शादी की जाती है। सदियों से ये प्रथा यहाँ चली आ रही है। हालांकि आधुनिक होने के साथ साथ तमाम जो नई पीढ़ियाँ हैं वो इस परंपरा को भूल गई है, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर इस परंपरा को अभी भी माना जाता है। झूंझी और टेसू का विवाह, ये जो झूंझी और टेसू है मनाने का कारण ये है
कि महाभारत काल में पांडुपुत्र भीम के बेटा घटोत्कच का लड़का बर्बरीक जो बहुत बड़ा योद्धा था, उसका कहना था कि जो पक्ष हारेगा उसी की तरफ से हम युद्ध करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने समझा कि हारना दुर्योधन को है और ये युद्ध समाप्त नहीं होगा, इसलिए उसका विवाह भी रचा था जूंजी के साथ में और उसको मरवाया। और मरने के बाद में जब भगवान प्रकट हुए तो उसने ये स्वीकार किया कि हाँ हम ये गलत कर रहे थे, लेकिन उसकी एक लालसा थी विवाह की झोंझी की, जो भगवान ने वरदान दिया कि आज के बाद जो भी मुहूर्त होगी विवाह की वो सबसे पहले तुम्हारी होगी, पहले तुम्हारा विवाह होगा, इसके बाद में सालग शुरू हो जाएगी। तो आगरा में लोगों ने बाइक चोरी करते समय एक चोर को धर दबोचा है। बता दें कि चोर एसएन मेडिकल कॉलेज की पार्किंग से बाइक चोरी करके ले जा रहा था, तभी मोटरसाइकिल के मालिक ने चोर को ऐसा करते देख लिया और उसे धर दबोचा है, जिसके बाद वहां मौजूदा लोगों ने चोर को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज पार्किंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आगरा में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक के बाद एक कई ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं। लगातार ये चोर जो हैं पुलिस के सामने चुनौती खड़ी कर रहे हैं। आगरा में लोगों ने बाइक चोरी करते समय एक चोर को धर दबोच लिया। आपको जानकारी दे दें कि चोर एसएन मेडिकल कॉलेज की पार्किंग से बाइक चोरी करने के लिए कोशिश कर रहा था, तभी मोटरसाइकिल के मालिक ने चोर को ऐसा करते देख लिया, उसे धर दबोचा, जिसके बाद वहां मौजूदा लोगों ने चोर को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया है। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज पार्किंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आगरा में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं, दरअसल एक चोर बाइक चोरी कर रहा था अस्पताल की पार्किंग से, तभी बाइक का जो मालिक था जिसकी वो बाइक थी उसने ऐसा करते देख लिया और चोर को धर दबोचा, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। ग्रेटर नोएडा दादरी थाना क्षेत्र के रेलवे रोड पर 19 अक्टूबर को अपनी बहन के साथ दवा लेकर जा रही एक युवती को सड़क पर सिरफरे आश्रित ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया और अब दो दिन के बाद आज युवक की दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। बता दें कि पूरी घटना 19 अक्टूबर की है, जहां ग्रेटर नोएडा दादरी कोतवाली क्षेत्र के रेलवे रोड पर पेट्रोल पंप के पास एक युवती अपनी बहन के साथ दवा लेकर घर जा रही थी, तभी एक सिरफरे आशिक ने वहां पहुंचकर युवती से बात करने की कोशिश की और जब युवती ने बात करने से मना कर दिया तो युवक ने पहले युवती को गोली मार ली और फिर खुद को भी गोली मार ली, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। दो दिन से दिल्ली के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, जहां आज उसकी मौत हो गई है। फिलहाल ये पूरा मामला एक तरफा प्यार का बताया जा रहा है। आगरा में पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मचारी की मौत के मामले में सफाई कर्मचारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ गई है। बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सफाई कर्मचारी अरुण की मौत हार्ट अटैक से हुई है। बता दें कि सफाई कर्मचारी का पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट और डॉक्टर पैनल के सामने हुआ। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गई है। बता दें कि थाना जगदीशपुरा पुलिस की हिरासत में सफाई कर्मचारी अरुण की मौत हो गई थी, जिसके बाद बुधवार को उनकी मौत को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। इसमें राजनीति भी बहुत हुई थी। प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कल जा भी रही थी, लेकिन बीच रास्ते में उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। इस पूरे मामले में लगातार प्रियंका गांधी ट्वीट कर रही है, योगी सरकार पर हमलावर है, प्रशासन पर हमलावर है, लेकिन अब जब रिपोर्ट सामने आ गई है इससे ये खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है कि जो आरोप लगाया जा रहा था कि पुलिस कस्टडी में अरुण की मौत हुई है, दरअसल पुलिस की पिटाई से उसकी मौत नहीं हुई है, हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब भी छानबीन की जा रही है, क्योंकि मामला लगातार
तूल पकड़ रहा है, राजनीति भी हो रही है, ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल भी उठा रहा है। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी हर मुद्दे को लेकर लगातार योगी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। जहां भी कोई भी मामला हो रहा है, प्रियंका गांधी जमीनी स्तर पर वहां कोशिश कर रही है पहुंचने की, हालांकि बीच रास्ते में कानून का हवाला देकर उन्हें रोका जाता है। तो आगरा का एक पूरा मामला था जहां पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मचारी की मौत के मामले में सफाई कर्मचारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो सफाई कर्मचारी अरुण की मौत हार्ट अटैक से हुई है। बता दें कि सफाई कर्मचारी का पोस्टमार्टम पैनल के सामने हुआ है, इसकी वीडियोग्राफी भी की गई है। थाना जगदीशपुर पुलिस की हिरासत में सफाई कर्मचारी अरुण की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था। तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश और तेज हवाएं किसानों पर कहर बरपा रही है। जहां किसानों की तैयार फसल बारिश और तेज हवाओं के चलते पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, और ये झटका किसानों के लिए इतना बड़ा है कि किसानों का काफी बड़ा नुकसान हुआ है। खेती बाड़ी करके अपनी जीविका चलाने वाले छोटे और निम्न वर्ग के किसानों के लिए ये बारिश मुसीबत बनकर उन पर बरस रही है। किसानों की तैयार फसल पर तेज बारिश और हवा ने पूरे तरीके से पानी फेर दिया है। किसान की मेहनत और लागत दोनों को ही इस बिन मौसम बरसात ने बर्बादी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। इस बारिश में जनपद के 1.5 लाख हेक्टेयर में तैयार धान की फसल को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है। वहीं किसानों का साफ तौर से कहना है कि इस बरसात से फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, और फसल में मौजूदा जो दाने थे, जो फसल पक चुकी थी, वो भी पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जिससे फसल प्रभावित हो रही है और किसानों का बड़ा नुकसान हो रहा है। वहीं अगर अनुमान लगाया जाए तो पूरे जनपद में किसानों की लगभग 10% फसल तैयार थी और कटी हुई खेतों में पड़ी थी, लेकिन अचानक हुई बिन मौसम बरसात से किसानों को खेत में पड़ी उस फसल को उठाने का भी मौका नहीं मिल पाया। इसके साथ ही लाही, सरसों और आलू की एक दिन पहले हुई बुआई के बाद बारिश ने इस फसल को भी पूरी तरह से खराब कर दिया है। यानी कि जो फसल बाजार में मंडियों में जाने के लिए तैयार थी वो तो खराब हुई है, और जो बुआई हुई थी आलू की फसल की, वो भी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। ऐसे में दोहरी मार किसान झेलते हुए नजर आ रहे हैं। तेज बारिश हवाओं से किसानों की लहराती हुई फसल पूरी तरह से जमींदोज हो गई है। यह पिछले लगभग 35 सालों का यह रिकॉर्ड बारिश हुई है। लगातार कुल मिलाकर के 127 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे एक तो जो हमारी फसलें बोई गई हैं, खरीफ की फसल है, जो धान जो निचले एरिया में है वो गिर गई हैं। गिरने के बाद वो उस पर ऊपर से पानी भर गया है। कुछ तो किसान ऐसे हैं जिन्होंने फसल धान की काटी हुई है, वो भी फसल डूब गई है। इसमें फसलों की भारी क्षति हुई है, इसका हम लोग आकलन करा रहे हैं। साथ ही कुछ हमारी रबी की फसलें जो राई बोई गई थी वो भी जलमग्न हो गई है। इसके साथ ही आलू की भी फसल बोई गई, उसका भी नुकसान हुआ है। तो इसमें हम लोग जो कृषि विभाग के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो संचालित है, उसके तहत हम लोगों ने बहुत अपील किया है कि जो भी किसान भाई का क्षति हुई है उसको 72 घंटे के अंदर हम लोगों को कृषि विभाग में बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत करें। नुकसान है, लगा बताए न। सबसे ज्यादा किस फसल में हुआ है नुकसान? धान है, आलू है, लाही से समा है। अच्छा, ये जो धान पीछे दिख रही है ये सब कट चुकी थी, यहीं पे लगी थी? हाँ, कटी रहा है, पानी में से निकाल रही है। अच्छा, ये सब पानी में पूरी तरीके से भीग गई? हाँ, सब पूरी तरीके से बूढ़ी रहा है पानी में। नुकसान हुआ है, क्या फसल में नुकसान हुआ? अभी लाही तो बेकार ही हो रही है। अच्छा, लाई जमी आदि पानी से बिल्कुल बेकार है। बेकार गल रही, इस वजह से मैंने निकाला, निकाल दी जाए, बच जाए तो बच ही जाए। अच्छा, और भी फसलों में कोई नुकसान? हाँ, नुकसान क्यों नहीं भाई, धान भी गिर रहा है, नुकसान है। अच्छा, नुकसान। अच्छा, तो इसको खाली करना पड़ रहा है आपको? हाँ, खाली करना पड़ा, निकाल दे तो एक साथ हो जाएगी, नहीं फिर हो नहीं पाएगी। ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर 26 अक्टूबर मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को मादक पदार्थ रखने से संबंधित साजिश, इसके सेवन, खरीद और तस्करी करने के आरोप में एनसीबी ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। बुधवार को विशेष एनडीपीएस अदालत ने आर्यन समेत बाकी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उनके वकीलों ने तुरंत बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दे दी। आर्यन के पास से कुछ भी बरामद नहीं किया गया है, लेकिन उसके दोस्त के पास से ड्रग्स मिले हैं।
ऐसे में एनसीबी को शक है कि आर्यन ड्रग्स रैकेट का हिस्सा हो सकता है। आर्यन की चैट से एनसीबी को कुछ जानकारी मिली है। आर्यन के साथ बॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ भी उनकी चैट काफी ज्यादा सामने आई है। इस चैट में नशे को लेकर बातचीत हो रही थी। कोर्ट में बहस के दौरान एनसीबी की टीम ने आरोपियों के जो चैट्स अदालत को सौंपे हैं उसमें आर्यन के साथ अनन्या पांडे का नाम भी शामिल है। आर्यन के खिलाफ अभी तक एनसीबी की सभी दलीलें मुख्य रूप से व्हाट्सएप चैट पर आधारित हैं। फिलहाल की जानकारी आपको दे दें तो मन्नत एनसीबी की टीम पहुंच चुकी है और शाहरुख खान के घर पर लगातार छानबीन की जा रही है। इसके अलावा अनन्या पांडे के घर भी एनसीबी की टीम पहुंची हुई है, छापेमारी की जा रही है। अनन्या का फोन भी जब्त कर लिया गया है, यानी ये कहा जा सकता है कि एनसीबी के रडार पर अभी बॉलीवुड के बहुत नाम हो सकते हैं, बहुत खुलासे हो सकते हैं। तो आर्यन खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी हाई कोर्ट में। सेशन कोर्ट से पूरी तरह से जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, इसकी चुनौती अब हाई कोर्ट में दी गई है, लेकिन आज भी सुनवाई नहीं हो पाई। 26 तारीख को सुनवाई होगी, यानी कि अभी कुछ और दिन आर्यन खान को जेल में ही गुजारने होंगे। सुबह आर्यन खान के पिता बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। 15 मिनट की मुलाकात थी, उसके बाद शाहरुख वहां से वापस लौटते हुए नजर आए। लेकिन इसके बाद दर परत लगातार किताब जो है बॉलीवुड में ड्रग्स की वो खुलती हुई नजर आ रही है। हर एक पन्ने में हर किसी का नाम लिखा हुआ है और आर्यन के बाद अनन्या का नाम भी सामने आ रहा है। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई स्टार किड्स इस केस में फंस चुके हैं। उन पर लगातार केस हुए हैं, केस चले भी हैं, उनसे पूछताछ भी हुई है, चाहे वो सारा अली खान हो, चाहे वो श्रद्धा कपूर हो, दीपिका पादुकोण हो, ये ऐसे नाम थे जो 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सामने आए थे। लेकिन अब एक बार फिर से बॉलीवुड पर एनसीबी जो है वो पकड़ बनाए हुए है। ड्रग्स एंगल में हर किसी पर जाँच की जा रही है। उत्तराखंड में हुई भारी बारिश का असर यूपी में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल मुरादाबाद जिले में भारी बारिश के बाद कई सड़कों पर भी जलभराव हो गया है। लखनऊ दिल्ली हाईवे पर भी पानी भर गया है। हाईवे पर पानी भरने के कारण यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कोसी नदी का पानी हाईवे पर आ चुका है। यही वजह है कि सिहोरा वाजे गांव के पास हाईवे पर लंबा जाम लग गया। हाईवे पर लगे जाम में सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। उत्तराखंड के रामनगर बैराज से कोसी नदी में लगभग 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ये पानी अब मुरादाबाद और रामपुर जिले के लगभग 50 गांव में घुस चुका है। कोसी नदी की बाढ़ का पानी नेशनल हाईवे पर भी आ चुका है। हाईवे पर पानी भरने से दोनों तरफ लंबा जाम सुबह से ही लगा हुआ है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कहां सड़कें हैं और कहां नदियां हैं, कुछ भी अंतर दिखाई नहीं देता। लेकिन इस बरसात की वजह से सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ जरूर नजर आ रहा है। जहां एक तरफ किसान परेशान है, आम जनता परेशान है, तो ऐसे में यातायात भी काफी ज्यादा प्रभावित उत्तर प्रदेश में हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 40% टिकट महिलाओं को देने का पार्टी का फैसला सिर्फ अभी शुरुआत है। इसके साथ ही राहुल ने कांग्रेस के नए नारे लड़की हूं लड़ सकती हूं का भी जिक्र किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, देश की बेटी कहती है, अपनी मेहनत से, शिक्षा की ताकत से, सही आरक्षण से मैं आगे आगे बढ़ सकती हूं, लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं, यूपी सिर्फ शुरुआत है। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को घोषणा की थी कि वो उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देंगी, यानी कि 403 विधानसभा में से 161 पर महिलाएं कांग्रेस की तरफ से ये चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं। प्रियंका ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि महिलाएं राजनीति में सत्ता में पूरी तरह से भागीदारी बने। उन्होंने कहा कि महिलाएं अगर समाज में बदलाव चाहती हैं तो राजनीति में आएं और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। इसके बाद एक और घोषणा जो है प्रियंका गांधी की तरफ से की गई है, जो अगर कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है 2022 में, तो जो बच्चे 12वीं पास करते हैं उन्हें स्मार्टफोन भी दिया जाएगा, जो ग्रेजुएट होते हैं उन्हें स्कूटी दी जाएगी। यानी कि प्रलोभन पूरी तरह से दिया जा रहा है। कोई भी कोर कसर, कोई भी दल नहीं छोड़ना चाहती। अब कांग्रेस भी इसी तर्ज पर उतर गई है। जो एक तरफ महिलाओं को टिकट के लिए आरक्षण दिया जा रहा है 40%, तो वहीं अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 12वीं पास करने पर स्मार्टफोन, ग्रेजुएट होने पर स्कूटी बच्चों को दी जाएगी।
वहीं बिजनौर में नगीना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर नगीना में लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। चोरी करने वाले 3 चोरों को चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया है। स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस की तरफ से संयुक्त ऑपरेशन में 3 की गिरफ्तारी की गई है, जिन्होंने निर्माणाधीन मकान से लाखों रुपए का सामान चुराया था। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, 3 को जेल भेज दिया है। तो बिजनौर में पुलिस पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है, जहां पुलिस ने चोरी का खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि लाखों की चोरी का यहां पर अंजाम दिया गया था और करीब 3 अभियुक्त बताए जा रहे हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। निर्माणाधीन मकान से लाखों की लूट को अंजाम दिया गया था। पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी और आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़े। 7 अक्टूबर को कृष्ण बलदेव राज का मकान, जो नगीना कस्बे के लालसराय मोहल्ले में बन रहा था, निर्माणाधीन है, बड़ा मकान है, उन्होंने मकान से संबंधित पीतल का, लोहे का अनेक सामग्री रख रखा था। बाई चांस उस दिन उनके लेबर त्यौहार की वजह से नहीं थे, उनका सारा सामान चोरी हो गया। उनके द्वारा अप्लीकेशन दिया गया, 457-380 का अभियोग पंजीकृत हुआ। स्वाट एसओजी ने और स्थानीय पुलिस ने इस केस को वर्कआउट किया। तिरंगा संकल्प यात्रा का नेतृत्व करने के लिए वाराणसी पहुंचे आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कमिश्नरेट पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गुरुवार सुबह भिल स्थित गणेशपुर तारना के पास एयरपोर्ट रोड पर पुलिस ने उन्हें रोका और हिरासत में ले लिया। इस दौरान वो पुलिस कर्मियों के साथ उलझते हुए भी नजर आए। वो बार बार उस आदेश की प्रति मांग रहे थे जिसके आधार पर उन्हें पुलिस ने रोका था। उन्होंने कहा कि वाराणसी में हर पार्टी रैली कर रही है, किसी को भी आने से नहीं रोका गया, मुझे किस कानून के तहत रोका जा रहा है, मैं कहां जा रहा हूं, किसी काम से आया हूं, इससे पुलिस को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो हिरासत में लिए गए आप सांसद संजय सिंह, इस दौरान वो विफरते हुए भी नजर आए हैं। पुलिस के साथ उनकी थोड़ी सी नोकझोंक भी देखी गई। उनका साफ तौर पर कहना है कि वाराणसी में तमाम पार्टियां रैलियां कर रही हैं, यात्राएं निकाल रही हैं, उन्हें रोका नहीं जा रहा है, लेकिन संजय सिंह को यहां रोका गया है, जिससे वो आग बबूला होगा। उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं कहां जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, इससे कानून को उत्तर प्रदेश के मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं यहां किसी काम से आया हूं, तमाम पार्टियां यहां पर रैलियां कर रही हैं, उन्हें नहीं रोका जा रहा है, तो आखिर मुझे किस कानून के तहत रोका गया है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। किसी दिन मामले बढ़ रहे हैं तो किसी दिन केस कम हो जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक दिन में 18,000 नए मामले सामने आए, वहीं रिकवरी रेट 98.15% पहुंच गया है, यानी स्वस्थ होने वालों की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ रही है। ये फीसदी मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं कोरोना के खिलाफ आज का दिन भारत के लिए सबसे अहम है। भारत ने 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का टारगेट पूरा कर इतिहास रच दिया है। देश में आम लोगों के लिए 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और आखिरी 20 करोड़ डोज 31 दिन में लगे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए। देश की 75% युवा आबादी को कम से कम एक डोज लग चुका है और 31% आबादी को दोनों डोज लग चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 1,78,831 एक्टिव केस आए हैं, जो करीब 8 महीने बाद सबसे कम है। राहत की बात है, लेकिन अब भी सावधान रहने की जरूरत है। जबकि 3,64,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं 3,81,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। भारत में अब तक कोरोना से 4,52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि दुखद है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।